यहाँ पर भाई वीवो T1 5G सीरीज के बाद फाइनल एंड फाइनली इंडिया पे वीवो न्यू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, उनका वीवो T2 5G सीरीज। जी हाँ भाई, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में भाई हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि वीवो T2 5G डिवाइस इंडिया पे कब तक लॉन्च होगा, उसका प्राइस क्या होगा एंड क्या क्या फीचर्स मिलने वाला है वीवो T2 5G डिवाइस के अंदर भाई इंडिया पे। तो आज की वीडियो को भाई शुरू से लेकर एंड तक देखना अगर आपको सब कुछ जानना है तो। उससे पहले भाई चैनल पर नए आ रहे हो और ऐसे ही अपकमिंग स्मार्टफोन के वीडियो आप फ्यूचर पे हमारे चैनल पर देखना चाहते हो भाई, तो यहाँ पर फटाफट से हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे जो भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होगा इंडिया पे उसका वीडियो भाई आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भाई देखने को मिल जाएगा। तो चले दोस्तों वीडियो को यहाँ पर हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीवो की तरफ से, ये जो वीवो का T2 5G डिवाइस है ये इंडिया पे कब तक लॉन्च होने वाला है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाला है इसके अंदर। तो सबसे पहले भाई आप ध्यान से सुन रखो, वीवो T2 5G डिवाइस 11 अप्रैल के आसपास आपको फ्लिपकार्ट के अंदर लॉन्च होने को देखने को मिल जाएगा। जी हाँ भाई, 11 अप्रैल के आसपास फ्लिपकार्ट के अंदर लॉन्च होने वाला है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात हो जाता है। इसके बाद इसके हम लोग भाई फीचर्स की बात करें कि इस फोन के अंदर आपको फीचर्स क्या क्या देखने को मिलने वाला है जब यहाँ पर वीवो ये स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। तो सबसे पहले भाई हम लोग डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.62 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ, जो एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। बेजल लेस विथ पंच होल डिस्प्ले मिलता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले की बात हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें कि प्रोसेसर आपको क्या देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पर भाई आपको स्नैपड्रैगन 870 बहुत ही पावरफुल 5G स्मार्टफोन के साथ 5G चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। उसके साथ साथ 8GB के रैम के साथ 128GB का रोम यानी स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो एक बहुत ही बेहतरीन बात भाई हो जाता है। इसके बाद भाई हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैमरा क्या देखने को मिलेगा। भाई प्रोसेसर तो काफ़ी पावरफुल है, स्नैपड्रैगन 870 का एक बहुत ही पावरफुल 5G प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलेगा वीवो T2 5G स्मार्टफोन के अंदर। पर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कैमरा आपको कितना कितना मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन के अंदर, तो यहाँ पर भाई आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सामने 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई सेल्फी कैमरा के अंदर आप फुल HD पर 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, जो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बात हो जाता है। तो यहाँ पर कैमरा आपको काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का देखने को मिलने वाला है वीवो T2 5G डिवाइस के अंदर। इसके बाद दोस्तों इसके हम लोग बैटरी की बात करें कि कितना mAh का बैटरी मिलेगा एंड कितने वाट का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भाई आपको 4700 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा 80 वाट के सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ, जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होता है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें अदर्स फीचर्स की, यानी और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलने वाला है वीवो T2 5G डिवाइस के अंदर, जो एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। तो यहाँ पर भाई आपको सबसे पहले डुअल नैनो सिम मिलेगा, 128GB का रोम या फिर स्टोरेज मिलेगा एंड यहाँ पर स्टोरेज को भाई 1TB तक एक्सपेंड कर पाओगे, जो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो जाता है वीवो T2 5G स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर देखो भाई आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया मिलता है, कैमरा काफ़ी बढ़िया मिलता है, बैटरी के साथ भाई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी काफ़ी तगड़ा दिया गया है वीवो की तरफ से। तो इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर प्राइस क्या होने वाला है। देखो भाई ये एक बजट स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पर प्रोसेसर आपको काफ़ी पावरफुल मिलने वाला है। तो देखो भाई अभी यहाँ पर कोई क्लियर नहीं बताया है कंपनी ने, यानी वीवो ने अभी 100% श्योर होकर नहीं बताया इसका प्राइस होने वाला है, पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार यहाँ पर आपको फ्लिपकार्ट के अंदर 17 से लेकर 18 हज़ार रुपीज़ के आसपास ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, 20 हज़ार रुपीज़ के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। तो भाई अगर इसको वीवो ने 20 हज़ार रुपीज़ के अंदर लॉन्च कर दिया तो यहाँ पर ये सबसे पावरफुल एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है 20 हज़ार रुपीज़ के अंदर। हालांकि इसका प्राइस 20 हज़ार रुपये से ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया वीवो ने कॉन्फर्म नहीं बताया है इसका प्राइस कितना होने वाला है, एक्चुअली कितना होने वाला है, पर मुझे लगता है भाई 20 हज़ार रुपीज़ के अंदर ये जो वीवो T2 5G स्मार्टफोन है वो यहाँ पर इंडिया पे लॉन्च होने वाला है, जो एक बहुत ही बढ़िया बात होता है। क्योंकि देखो भाई इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी पावरफुल है, 870 प्रोसेसर भाई काफ़ी पावरफुल है। अगर
आप गेम खेलना चाहते हो, बहुत ही बड़ा गेम, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, कुछ भी गेम खेलना चाहते हो, तो वीवो T2 5G स्मार्टफोन के अंदर ये सारा गेम 875G प्रोसेसर के साथ काफ़ी बढ़िया एंड काफ़ी तगड़ा चलने वाला है। यानी आपको बिल्कुल भी लैग वगैरह, हैंग वगैरह कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। यानी भाई वीवो की तरफ से जो वीवो T1 Pro सीरीज या फिर T1 5G सीरीज काफ़ी सक्सेसफुल सीरीज था, और यहाँ पर इसके जो फीचर्स है, यानी वीवो T2 5G डिवाइस का जो फीचर्स है, इसके फीचर्स को देखते हुए लगता है भाई ये भी काफ़ी मार्केट पे तहलका मचाने वाला है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होने वाला है, और इसका प्राइस अगर दोस्तों 20,000 रुपये इसके आसपास रहा तो ये काफ़ी तगड़ा या फिर बोल सकते हो सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है 19,000 से लेकर 20,000 रुपये के अंदर। अगर इसका प्राइस भाई 20,000 रुपये से थोड़ा सा ऊपर चला गया तो भी ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्पेसिफिकेशंस है, यानी जो फीचर्स है, वो मुझे पर्सनली भाई बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही अच्छा खासा लगा। तो इसका जो डिस्प्ले भाई काफ़ी बढ़िया है, इसका प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, बैटरी काफ़ी बढ़िया है, 80 वाट्स का फास्ट चार्जिंग मिलता है। तो इसका जो ओवरऑल भाई सारे फीचर्स है वो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके बताना, और आपके मुताबिक यानी आपके मुताबिक के अनुसार, आपके माइंड सेट के अनुसार भाई इसका प्राइस क्या होने वाला है जब यहाँ पर इंडिया पर लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट के अंदर, कितना प्राइस के अंदर आने वाला है मुझे कमेंट करके यार प्लीज़ बताना, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, तो यहाँ पर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे वीवो T2 5G डिवाइस इंडिया पे कब तक लॉन्च होने वाला है, उसका प्राइस क्या होगा, एंड क्या क्या फीचर्स के साथ वीवो T2 5G न्यू स्मार्टफोन इंडिया पे लॉन्च होने वाला है, क्या क्या फीचर्स के साथ। तो दोस्तों देखो ये काफ़ी बढ़िया एंड बहुत ही बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट पे तहलका मचाने वाला है अगर 20,000 रुपीस के अंदर वीवो यहाँ पर इंडिया पे लॉन्च करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जी हाँ भाई, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यार होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। उसके साथ तो भाई आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो आप शेयर भी जरूर से कर देना, ताकि आपके सारे दोस्तों को पता चल जाए वीवो T2 5G स्मार्टफोन इंडिया पे कब तक लॉन्च होगा, क्या क्या फीचर्स होगा, एंड इस यहाँ पर जो लॉन्च होने के बाद इसका प्राइस क्या होने वाला है। उसके साथ साथ भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है भाई, उसका आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे कोई भी अपकमिंग स्मार्टफोन्स आएंगे, यानी जो भी लॉन्च होगा न्यू स्मार्टफोन कोई भी ब्रांड की तरफ से, उसका वीडियो भाई आपको सबसे पहले हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आपका भाई का चैनल थोड़ा सा भाई सपोर्ट करना, और कमेंट करके बताना भाई ये जो स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है वीवो, इसका फीचर्स आपको कैसा लगा, इसका प्रोसेसर आपको कैसा लगा, ठीक है ना। मुझे तो लगता है भाई काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर का यूज़ किया गया है इसके अंदर, जो एक बहुत ही पावरफुल एंड स्टेबल 5G प्रोसेसर होता है, स्नैपड्रैगन 870, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, आप